सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वेश्चन सेकंड। दूसरे प्रश्न में आपका स्वागत है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज दैट द कास्ट सिस्टम हैज नॉट गॉन बट इवॉल्व्ड, एक्सप्लेन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितने पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, बल्कि ये देखा जाता है कि आप कितना एनालिसिस कर पाए हो, कितना प्रॉपरली क्वेश्चन को एड्रेस कर पाए हो, ठीक है। बस इतनी सी बात है, क्वेश्चन की लाइन में रहना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली एड्रेस करना है, दैट इज इट, ठीक है। सो ट्राई टू इंट्रोड्यूस। सो पहले, क्योंकि कास्ट सिस्टम के ऊपर है क्वेश्चन, सो इट इज वेरी वाइज, वेरी सिंपल कि कास्ट सिस्टम को आप हल्का सा डिफाइन कर दीजिए अपनी भाषा में, अपने वर्ड्स में कास्ट सिस्टम को बता दीजिए कि कास्ट सिस्टम होता क्या है। सो कास्ट रेफर्स टू द ब्रॉड हायरार्किकल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट अलॉन्ग विच बेसिक सोशल फैक्टर्स लाइक बर्थ, मैरिज, फूड शेयरिंग एक्सेट्रा आर अरेंज्ड इन द हायरार्किकल रैंक एंड द स्टेटस। आपका जो बर्थ है, बर्थ के राइट्स आपके क्या होंगे, बर्थ के राइट्स का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, जमीन है आपकी, जायदाद है आपकी, तो अगर आपके फादर की जायदाद है तो वो फादर की जो जायदाद है वो आपको मिल जाएगी। सो दीज आर योर बर्थ राइट्स। आपकी आपकी मैरिज कहाँ पे होगी, ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं। जनरली वी हैव कास्ट एंडोगैमी, कास्ट के भीतर ही मैरिज की जाती है, ठीक है, क्लास के भीतर मैरिज की, कास्ट के भीतर मैरिज की जाती है। तो आपकी उसी कास्ट के अंदर मैरिज होगी। फूड शेयरिंग, आपने किसके हाथ का खाना खाना है, किसके हाथ का खाना नहीं खाना है। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मिन्स, ठीक है, तो ब्राह्मिन्स के ऊपर कुछ चीज़ें लागू होती हैं कि आप किन के हाथ का खाना खा सकते हैं, किसके हाथ का खाना आप नहीं खा सकते, ठीक है। सो आपने कास्ट सिस्टम को आपने डिफाइन कर दिया, एंड दीज सब डिविजन्स दे आर लिंक्ड टू द ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के साथ वो लिंक्ड रहती हैं, और यही जो सारी जो सब डिविजन्स हैं यही डिसाइड करती हैं आपके सोशल रिलेशंस कि आपने किसके साथ बैठना है, किसके साथ आपने उठना है, ठीक है। सो आपने कास्ट सिस्टम को सबसे पहले क्या है, आपने डिफाइन कर दिया इन एन एनालिटिकल वे, इन योर ओन लैंग्वेज, ओके। देन सो जो आपकी ट्रेडिशनल हायरार्की है, अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को ये बताना है कि कास्ट सिस्टम चेंज जरूर हुआ है लेकिन कास्ट सिस्टम अभी भी वहीं का वहीं है, ठीक है, अपना रूप जो है वो बदल के बैठ गया। आज भी आपके पास जो डिस्टिंक्शन है, आपके पास जो कंसेप्ट है प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाला, वो आज भी वहीं के वहीं है। ऑल दो लीगली जो अनटचेबिलिटी है और जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको हमने इलीगल करार कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया है, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम अभी भी है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर कास्ट में ही दिखाई देती है, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मिन्स में मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम होगी। सो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भी जो कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन है, आज भी जो प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो आज भी प्रचलित है, ठीक है। देन पॉलिटिकल, सो कुछ जो चीजें हैं वो चेंज हुई हैं। अब हम चेंज के ऊपर आते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखिए कास्ट को पोलिटिसाइज कर दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव बहुजन समाज पार्टी, बसपा, तो बसपा के चलते जो आपके पास दलित्स थे उनको पॉलिटिकली मोबिलाइज किया गया, ठीक है। नाउ बसपा, उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन को पॉलिटिकली मोबिलाइज किया है। इसी तरह से और बहुत सारी पार्टीज हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन को पॉलिटिकली मोबिलाइज करने की कोशिश की है, उनके वोट्स लेने की कोशिश की है, ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं है, पोलिटिसाइजेशन में कुछ गलत नहीं है, बट द थिंग इज, क्वेश्चन क्या है हमारा कि कास्ट इवॉल्व करती जा रही है, ठीक है। अब जो कास्ट है, पहले कास्ट क्या थी, पहले कास्ट सिर्फ एक कल्चरल ग्रुप थी, सोशल ग्रुप थी, अब कास्ट एक पॉलिटिकल ग्रुप भी बनती जा रही है, ठीक है। लोग अपनी कास्ट आइडेंटिटीज के ऊपर वोट डाल रहे हैं, क्यों वोट डाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ दीज पार्टीज, बहुजन समाज पार्टी, ठीक
ठीक है, इज वन ऑफ एन एग्जाम्पल. सिमिलरली लिंगायत्स दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग टू बी कंसिडर्ड एज अ मिनोरिटी कम्युनिटी, कि हमें भी मिनोरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया जाए. और इस डिमांड को मनवाने के लिए दे आर मोबिलाइजिंग देमसेल्व्स पॉलिटिकली. ठीक है, देन यू हैव सोशल. ठीक है, तो सोशल जो कास्ट है वो सोशली कैसे बदली है. सो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स द स्ट्रिक्ट कोड ऑफ मैरिज इनहेरिटेंस वो हल्का सा डाइल्यूट जरूर हुआ है. ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस होनी स्टार्ट हुई हैं, लेकिन फिर भी उस ग्लोबलाइजेशन और उस टेक्नोलॉजी में भी हमने एंडोगैमी को ज़रूर कहीं ना कहीं ढूंढ लिया है. हमने कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन को ज़रूर कहीं ना कहीं ढूंढ लिया है. फॉर एग्जांपल, अगर आप मैट्रिमोनियल सेक्शन देखें, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स देखें, तो आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ जाएगा कि वहाँ पर सेक्शंस बने होते हैं. ठीक है, अलग अलग कास्ट बेस्ड सेक्शन होते हैं. ब्राह्मिन्स का अलग होता है, क्षत्रिय का अलग होता है. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आपको ये दिखाई जरूर पड़ जाता है कि सोशली ऐसा नहीं है कि अब हम सोशली वो पुराने जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जरूर बदल गए हैं. बट इन द ईव ऑफ ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन आपको दिखाई पड़ता है. मैरिजेस एक्सेट्रा वो कास्ट के ऊपर ही की जाती हैं. देन इकोनॉमिक. ठीक है, सो इकोनॉमिकली हमने कैसे कास्ट को इवॉल्व करते हुए देखा है. देखिए, कुछ जो रिजर्वेशन है वो हमने बैकवर्ड क्लास को दी. ठीक है, शेड्यूल कास्ट को दी, शेड्यूल ट्राइब्स को दी. ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन दे हैव बेनिफिटेड. तो उनका बेनिफिट हुआ है, क्योंकि उनका बेनिफिट हुआ है. बाकी कास्ट वालों ने देखा कि इनका बेनिफिट हुआ है तो हम क्यों पीछे रहें. ठीक है, तो बहुत सारी जो डोमिनेंट कास्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल मराठास, फॉर एग्जाम्पल कापूस, फॉर एग्जाम्पल कपूस, फॉर एग्जाम्पल पटीदार्स, तो ये जो कास्ट हैं, ऑल दो दे आर डोमिनेंट कास्ट्स, ठीक है, दे आर नॉट बैकवर्ड कास्ट्स, बट स्टिल दे आर डिमांडिंग रिजर्वेशन. व्हाई? बिकॉज दे वांट इकोनॉमिकल गेन्स, क्योंकि उनको इकोनॉमिकल गेन्स लेने हैं. तो इकोनॉमिकली कास्ट इस तरह से इवॉल्व हुई है. ठीक है, सो नाउ कंक्लूजन. अब हमारा कंक्लूजन का टाइम आता है. ये जो कास्ट डिविजन्स हैं दे ऑफर सॉलिडेरिटी. ठीक है, सॉलिडेरिटी कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट से आप कहीं किसी दुविधा में पड़े हुए हो, कि कोई प्रॉब्लम में हो आप. ठीक है, सो यू कैन गो टू कास्ट पंचायत्स. तो आप अपनी जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी कास्ट पंचायत्स हैं, वहाँ पर आप जा सकते हो और जो कास्ट के लोग हैं वो आपकी सहायता करने के लिए सामने आएंगे. तो ये एक सॉलिडेरिटी देते हैं. ठीक है, आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी शादी कैसे होगी. तो अगर आपका कोई कुछ भी नहीं हो रहा तो आपकी अरेंज मैरिज ज़रूर हो जाएगी. ठीक है, अरेंज मैरिज क्यों हो जाएगी? बिकॉज देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ कास्ट एंडोगेमी. कहीं ना कहीं से लड़की मिली जाएगी. ठीक है, देन आपके पास साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ. यही सारी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ देती हैं. सो इस सॉलिडेरिटी की वजह से, इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की वजह से, जो कि आपकी ये जो कास्ट डिविजन्स हैं ये दे रही हैं, तो इनको मिटाना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है. ऑल दो कुछ भी आपके कानून बनते जाएं, लेजिस्लेटिव इन्फोर्समेंट होती जाए, कानून कास्ट के अगेंस्ट बने या फिर कास्ट पंचायत्स के अगेंस्ट बनते रहें, लेकिन फिर भी बिकॉज दे हैव अ यूटिलिटी, उनकी एक यूटिलिटी है इन चीज़ों की, तो फिर भी, तो इसके कारण जो है ये डिवीजन आइडेंटिटीज दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अरेज. ठीक है, ये बहुत इरेज करना, इनको मिटाना बहुत डिफ़िकल्ट है. ठीक है, सो दिस इज़ एन ओपिनियन. तो कंक्लूजन में आपने अपना ओपिनियन दे दिया. ठीक है, इंट्रोड्यूस सिंपली किया कास्ट से.
कि कास्ट होती क्या है, ताकि कास्ट को अच्छे से समझाया जा सके। फिर उसके बाद कास्ट किस तरह से इवॉल्व करती जा रही है, आपने वो बता दिया, ठीक है। इसी के ऊपर आपका जो है वो क्वेश्चन था। पहले आपने पहले पॉइंट में ये बताया कि कास्ट चेंज क्यों, मतलब कास्ट इरेडिकेट क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज यू हैव द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, ठीक है। और इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स देने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल से ये पता चलता है एग्जामिनर को कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है एक चीज़ की, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच।